नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, दोपहर के खाने का टाइम हो रहा। दोपहर के क्या, मैं थोड़ा सा जल्दी ही बना रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था सामान लेने के लिए। तो ये था, मैंने कहा चलिए जल्दी खाना बना लेती हूँ। बच्चे तो घर ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी चलती हैं, तो ये भी नहीं है कि भाई बच्चे 3 बजे आएंगे, क्योंकि 2-2.5 बजे तक उनकी घर में ही क्लास चलती है, तो तब तक आराम से टाइम होता है। तो बना लेती हूँ मैं खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और चावल, कृष्णा की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि कृष्णा को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने हैं कि उसे पूरा दिन अगर खाली आलू की सब्ज़ी भी खिलाई जाए तो वो खा लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आलू ज़्यादा बनाते हैं इसलिए उसे पसंद है, पर उसे मतलब वैसे ही पसंद ही है उसे आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे या आलू की पकौड़ी या कोई भी आलू की जो भी चीज़ें हैं उसे पसंद है। बस उसमें उसे आलू के पीसीज नज़र आने चाहिए। तो देखिए, मैंने चावल जो है वो साफ़ करके धो दिए हैं, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में चावलों में ना वो छोटे छोटे से कीड़े आने लगते हैं, तो मैंने कहा चलिए साफ़ करके ही रख देती हूँ, कर देती हूँ उनको। वैसे तो चावल नॉर्मली साफ़ ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ और उसके बाद बस यहाँ पे मैं लगा दूंगी तड़का। और ये वीडियो है मंडे का, जिस दिन मेरा व्रत था, तो मैं सबके लिए बना रही थी। मेरा तो व्रत था और फिर मैंने, बल्कि बाद में वीडियो भी व्रत की जितनी भी थी वो थी मैंने शेयर नहीं की। तो खाने में मतलब व्रत वाले दिन ऐसा होता है कि एनर्जी लो सी हुई रहती है। और देखिए, आप लोग भी कह रहे थे कि दीदी सोमवार के व्रत में ऐसे होता है वैसे। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है व्रत रखने का, या कैसे भी हमारे यहाँ जैसे भी रखते हैं या जिस तरीके से मैंने पहले रखे हैं, जो भी हम इसी तरीके से रखते हैं। मैं खाली पेट नहीं रह सकती, इसीलिए मैं चाय पीती हूँ पूजा करने के बाद, साथ के साथ ही। अगर मैं खाली पेट रहती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो वैसे तो फ्रूट वगैरह भी नहीं खाया जाता या कुछ भी, लेकिन चाय मैं पी लेती हूँ 2-4 बार आराम से। तो इस वजह से तो मैं मतलब ये समझ लीजिए कि भाई किसी भी वजह से, लेकिन मैं खाली पेट रहती हूँ तो फिर मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है इस वजह से। तो देखिए, यहाँ पे सब्जी मैंने छोंक दी है और इधर मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। और बारिश का तो आपको पता ही है कि 2-3 दिन से लगातार ही हो रही थी, शाम को जाके कहीं को रुकती है बारिश, तो फिर जाके लगता है कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर के लिए ही रुकती है। ऐसा नहीं कि भाई घंटे 2-4 घंटे के लिए रुकी, 2 मिनट को रुकी फिर होगी शुरू, 2 मिनट को रुकी फिर होगी शुरू। तो चलिए लीजिए, देखिए चावल भी बन गए, इधर बन गई है आलू की सब्जी, और मैं बस साथ के साथ ही गैस साफ़ कर दूंगी। फिर मैंने सुनीता को भी बोल देती हूँ मैं जल्दी, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है तो वो भी जल्दी आके अपना कर जाती है शाम के बर्तन वगैरह। तो जी, बस सब्जी भी बन गई, चावल भी बन गए, उसके बाद खाएंगे खाना। और चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ रेनबो बारिश के बाद। कौवों को भी देख के यहाँ ना, ये कौवों के बच्चे हैं दीवार पे। इंग्लिश में तो उसका रंग मर गए। हाँ, और कोई चीज इनके बच्चों को खा रही है। तो जी देखिए, ये है अगला दिन, मंगलवार का दिन है। आजकल वीडियो बहुत छोटे छोटे से मैं बना पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर वीडियो शूट नहीं कर पा रही मैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपने काम निपटा लिए थे, सारे बच्चों की क्लासेस वगैरह हो गई थी, दोपहर का खाना भी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मुझे जाना था आशू के पास, क्योंकि पीयू के डैडी बता रहे थे कि आशू की जो है वो तबीयत ख़राब हो रही। पता तो लग गया था देखिए मुझे भी, लेकिन बस वही है कि जाने का बरसात की वजह से बन नहीं पा रहा था हिसाब। तो इस दिन मौसम थोड़ा सा खुला था तो मैं कहा चलिए चलती हूँ। और इसी दिन फिर मैं मार्ट भी गई थी, क्योंकि सामान लाना था, काफ़ी दिन हो गए थे। और चलिए, उस बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे सुनीता जो है वो मेरे बाल बना रही है, जैसा कि मैंने बताया जल्दी ही आ गई थी, तो बस वो मेरे बाल बना रही है। और बातें तो खैर अपनी चलती ही रहती हैं, वही जो भी है अपना। और यहाँ पे ना सुनीता के
हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं उठा रही, तो फ़ोन, वो कह रही दीदी जब मैंने फ़ोन किया एक दो बार तो उन्होंने नहीं उठाया, तो अब मैं भी नहीं उठाऊंगी। कई बार ना इसकी हरकतें बच्चों वाली हो जाती है, तो मैं कहा उठा ले भाई, जब क्या पता, क्योंकि कई बार हो जाता है कि कोई ज़रूरी बात करनी होती है और हम नहीं उठाते। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे ही क्यों बोल लूँ, मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन उठाने का बड़ा आलस है। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीदी आपने फ़ोन नंबर दिया लेकिन वो बंद आ रहा, तो बंद क्यों है? तो जी उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने नंबर शेयर किया, वो मेरी गलती रही, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस पर आप लोगों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आने लगी थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि लोग हैं हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी वजह से फिर हमने वो नंबर बंद कर दिया, क्योंकि वो सही नहीं था फिर बाद में, क्योंकि उस पर सही कॉल नहीं आते थे या बात नहीं हो पाती थी, आप लोगों से नहीं हो पाती थी, वैसे फेक कॉल ज़्यादा आने लगे थे। तो जी खैर, देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और चलते हैं अब उधर। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, खाना पीना सारा कर लिया हमने, दोपहर का क्या 3 बज रहे। तो मैं जा रही हूँ उधर आशु के पास, क्योंकि डैडी कह रहे थे कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है आशु की, आज वो शायद डॉक्टर के यहाँ भी गए थे। तो मैं कहा चलो भाई देख आती हूँ, बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे, घर से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आज भी इनकी ऑनलाइन क्लास थी, कल को भी है। मौसम का मैं बताऊँ आपको, कभी तो धूप सी हो रही, कभी फिर बादल से हो रहे, बारिश तो आज की भी बताई हुई, आज की क्या 2 दिन की और बताई हुई। और कुछ मुझे जाना है सामान लेने भी, वो तो बाद में देखूँगी, अगर टाइम लगा है मौसम सही रहा तो जाया जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पे कर नहीं पा रही मैं सामान की वजह से। तो बस चलिए चलते हैं उधर ही, और बच्चे भी हैं, अगर मैं जाऊँगी सामान लेने तो बच्चों को छोड़ के उधर ही तब जाऊँगी। तो चलिए भाई चलते हैं, ठीक है, बाय बाय। नहीं हाय हाय। चलो कभी नीचे वाले में हो, चल चल फटाफट। क्या लेना तुझे? पहले इधर से जो जो सामान लेना वो ले लो। क्या गिर गया? गलती से गिर गया। ये ले लिया तो मुझे कुछ लेना है। मैं चलूं। चल। उल्टा चला रहा है कृष्णा भाई। हिंग में नहीं, अच्छा हिंग। जैम। सामने। क्या एक के साथ एक फ्री है क्या इस पे? देखिए ले लेना, नहीं नमक तो चाहिए। अरे हाँ दो बेटे इधर ले गया उसे। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मार्ट में, क्योंकि ज़्यादातर सामान मैं मार्ट से ही खरीदती हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो राशन पानी है वो मैं यहाँ से नहीं खरीदती, वो हम बाहर दुकान से खरीदते हैं, लेकिन जो घर की बाथरूम घर की या वैसी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से खरीदती हूँ। तो मतलब उसमें ये हो रहा है कि जितना राशन आपने लिया हमारा तो 6 महीने चल जाएगा, हमारा तो साल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा जी। हो सकता है आप लोगों का
चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो या मेरे से नहीं हो पाता। मैं ये कभी नहीं कहती कि हाँ भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हो सकता है आप चला लेते होंगे उस चीज़ को, लेकिन कई बार आप क्या करते हो, एक चीज़ को पकड़ लेते हो। मुझे तो कहते हो आप कि आप एक बात को खींचते हो। कई बार आप लोग खुद देखिए कि आप जिस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं या जिस चीज़ के ऊपर मुझे जज कर रहे हैं, वो चीज़ है जज करने लायक या नहीं। गलती से मेरे मुँह से चलिए मान लीजिए निकल गया कि भाई वो सर्फ है एक महीने चलेगा या कितने चलेगा। मुझे भी पता है कि वो सर्फ एक महीने नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा। और मैंने वो इसलिए बोला क्योंकि फ़िलहाल जो है मैं अपने बिस्तरे वगैरह सारे धो रही हूँ। जितनी भी मेरी दतई वगैरह हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं, वो मैं सारे धो रही हूँ। और शायद जानते होंगे आपकी इन चीज़ों में सर्फ वगैरह ज़्यादा लगता है। सर्फ एक्सल तो वो था नहीं कि बिल्कुल ज़रा सा लगेगा। और रही बात बचत की, तो मैं जानती हूँ कि मैं बचत के हिसाब से सामान कैसे लेके आती हूँ। मैं भले ही राशन भी अगर मैं एक महीने का मंगवाती हूँ ना, मैं उस राशन को 3 महीने चलाती हूँ। तो ये तो आप खुद देख लीजिए कि कितना सामान था और ये एक ही महीने चलने वाला था। भले ही मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उस चीज़ को पकड़ लो। थोड़ा सा तो मतलब मौका दिया करो भाई। गलती सबसे हो जाती है, मेरे से भी होगी। अब उस चीज़ में ये थोड़ा ही ना कि आप पकड़ के बैठ जाओ उस चीज़ को कि नहीं तुझे तो पता ही नहीं, तू घर नहीं चला सकती या तू तो अब तक पैसे बचाती तो तेरा घर बन जाता। भाई अगर इस तरीके से घर बनने होते ना, तो सारी दुनिया जो किराए पे रह रही है या जो बिना घर के रह रही है, सबके महल खड़े होते अगर इस तरीके से पैसे बचा रहे होते या बच रहे होते। ये जरूर है कि सेविंग हो सकती है और वो मैं करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने हजार रुपये बचा लिए या कितने, और उस सेविंग का इस्तेमाल भी हम कहाँ कर रहे हैं वो भी हम जानते हैं। यहाँ सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती और ना बताई जा सकती कि मैंने कितने रुपये बचाए या मैंने कितने नहीं बचाए। सेविंग करने का तरीका अलग है और मैं करती भी हूँ। और मेरे हिसाब से इन छोटी छोटी चीज़ों से जितने पैसे बचते हैं, मैं उससे ज़्यादा ही बचा लेती हूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बात निकल जाती है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे बता सकते हैं कि दीदी ऐसे नहीं ऐसे, और बहुत सारे लोगों ने बोला भी है, उन्होंने बताया भी है कि घर सबके घर का खर्च अलग होता है। तो इस वजह से वो चीज़ें थी जो मैंने बताया कि वो राशन कैसे है। हालांकि ये भी है कि उनमें से कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं 6 महीने से भी ज़्यादा चलाऊंगी। चाय की पत्ती मैं ज़रूर बोलूंगी कि मेरे घर में ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैं भी चाय पीती हूँ, मेरे पति भी चाय पीते हैं, तो इस वजह से चाय की पत्ती हमारे घर ज़्यादा लगती है। तो जी देखिए, बस राशन हमने यहाँ पर खरीद ही रहे हैं हम अपना। कैसा लगा? अभी नहीं तोड़ना, पहले बिल बनवाना इसका। अभी नहीं उतारना, अभी इसका बिल पैसे ले ले। ये है तो तिरछा लगा जी। शाम के क्या रात के बजने वाले हैं, 8:15 हैं। और आज तो मैं काफ़ी देर पहले गई थी, 6:30 बजे के करीब आ गई थी मैं मार्ट में से। बस आके फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, मेरी आँख सी भी लगी चाय वगैरह पी। तो अब हो गया है रात के खाने का टाइम। और खाने में मैं, हाँ जी राजा जी, क्या है उसमें? नहीं नहीं, मैं नहीं ऊपर चढ़ाती, हाँ फट जाओ। तो खाने में मैं बनाऊंगी अरबी। और ये देखो फ्रिज की हालत क्या होगी, क्योंकि पिछले 2 दिन से लाइट की टेंशन हो रही थी। वो तो ले गए डैडी, तो लाइट नहीं थी तो इसमें ना स्मेल सी आ रही। तो मैं सोच रही मैं तो सुबह को करूँगी, नहाने से पहले करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि करनी ज़रूरी होगी। कई दिन हो गए ना बारिश की वजह से, सारे में कुछ सिलन सी की हो रही। तो आज तो थोड़ी सी खैर धूप निकली थी। और खाने में मुझे बनानी है अरबी। कह रही थी पीहू कि मम्मा अरबी बनाना, कहाँ गई? ये रखी है अरबी। तो मैं नहीं बेटा, दीदी अरबी कह रहे थे, आप हटो साइड, हटो राजा फ्रिज के पास से। तो ये अरबी लाई हुई रखी, कई दिन हो गए। तो इनको रात को प्याज के पराठे नहीं बनते। और ये मंगवाया है दूध, जो दीदी मुझे गार्डन में मिली थी। तो उनका घर यहीं घर के पीछे ही है, तो वो क्या बोलते हैं, वो दे के गए, मतलब दे के क्या, हमने ही बोला, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि दी वो करते हैं दूध वगैरह का काम, तो उनके यहाँ से दूध मंगवाया था, आगे थे वो देने के लिए। इसको भी गर्म करने के लिए रख दिया था साथ के साथ ही छान के, तो ये भी हो गया। तो पहले तो मैं करती हूँ जी कपड़े चेंज, क्योंकि मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। तो पहले कपड़े चेंज करके फिर मैं दिया लगाऊंगी पहले, उसके बाद लगा बनाती हूँ फिर खाना।